मैं याद दिलाना चाहती हूँ 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गया, बिहार से हर खनिज बाहर चला गया, सस्ते में चला गया और उससे आपको जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं, खनिज पूरा इधर से निकाल करके जहां भी इंडस्ट्री हो वहां इधर कितने रेट में मिलता उसी रेट में उधर भी मिलने का पॉलिसी तय किया कांग्रेस वालों ने। नेहरू जी, अगर होलसेल का रेट ही आपके घर वाले घर के बगल वाले में मिलता है तो आप होलसेल में क्यों जाओगे, मंडी में मेन सोर्स जहां है वहां क्यों जाओगे। देश में लोकसभा चुनाव की लहर है और इस लहर के बीच नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। बिहार में भी 5 फेज के चुनाव के बाद अब बड़े शीर्ष नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो आज पटना पहुंची और आंकड़ों के खेल में तमाम विपक्षी पार्टियों को धो डाला। दरअसल 1952 यानी कि आज़ादी के बाद से साल 1992 तक जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही और बिहार में खनिज संपदा को लूटने का काम किया गया उसका पूरा चिट्ठा लेकर पहुंची थी। क्या कुछ कह रही हैं निर्मला सीतारमण, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गया, पलायन हुआ, लोग बाहर जा गए रोजगार के लिए। वो ऐसे क्या पॉलिसी है, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो बिहार से इधर के खनिज पूरा मिनरल वेल्थ पूरा, तब तो बिहार झारखंड एक ही था, खनिज पूरा इधर से निकाल करके जहां भी इंडस्ट्री हो वहां इधर कितने रेट में मिलता उसी रेट में उधर भी मिलने का पॉलिसी तय किया कांग्रेस वालों ने, नेहरू जी ने। ये आर्थिक छोटा सा हमारे घर चलाने के विषय में भी आपको समझ में आएगा, आप बगल वाले दुकान से कुछ लोगे तो आपको क्या रेट मिलता है, होलसेल में जाकर के जहां उत्पादन होते हैं या जहां बड़ा सा होलसेल है उधर से खरीदने में कितने के मिलता है। अगर होलसेल का रेट ही आपके घर वाले घर के बगल वाले में मिलता है तो आप होलसेल में क्यों जाओगे, मंडी में मेन सोर्स जहां है वहां क्यों जाओगे। उसी रेट में मेरे मुंबई में, मेरे चेन्नई में, मेरे कुछ और शहर में इंडस्ट्री लगवाऊंगी, बिहार को लाभ हो नुकसान हो मुझे परवाने, चीज मिल जाता मुझे। ऐसा एक एकदम गंदा पॉलिसी था वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सो बिहार से हर खनिज बाहर चला गया, सस्ते में चला गया और उससे आपको जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला। ये कब तक था जी, 1952 से लेकर के 1992 तक, और उस समय ये जंगल राज भी शुरू भी हो गया। ऐसे कानून के वजह से बिहार झारखंड का, ऐसे ही उड़ीसा का एंडोमेंट रिच जहां है वहां से सब बाहर चले गए, लोग भी रोजगार के लिए बाहर गए और आज रो रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलपिंग, जहां उसके विपरीत आप देख लीजिए मोदी जी का अप्रोच, पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करके उसको गैस मिलने में नुकसान पहुंचा करके जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सफरिंग में था उसको पुनर्निर्माण किया, गैस कनेक्शन दिलवाया और उससे आज फर्टिलाइजर पूरे देश के लिए मिल रहे, सिर्फ इधर नहीं गोरखपुर में भी और सिंगरौनी में भी, बरौनी में भी और सिंदरी में भी झारखंड। और आज हम बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, और मैंने वोट ऑन अकाउंट वाले बजट 1 फरवरी 2024 के दिन में भी पार्लियामेंट में बोल, हम 2047 को विकसित भारत को निर्माण करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के साथ जब जा रहे हैं, हम मानते हैं पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को इस विकसित भारत के यात्रा में वही इंजन बनेंगे, उनके ताकत में आगे बढ़ेंगे हम, हमारी अप्रोच यही है। इसीलिए इससे ज्यादा ना बोलते हुए
हाईलाइट करना चाहती हूं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कंटेन हुआ है, 76% कम हुआ है 2010 से कंपेयर करते हुए आज तक। और मैंने ऑलरेडी बरौनी, सिंदरी और गोरखपुर के उदाहरण दे दिया। बिहार में बरौनी के लिए 9,500 करोड़ पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है सरकार। तो देखा आपने कि किस तरीके से निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ 1952 से लेकर 1992 तक, बल्कि 1992 से लेकर लालू राबड़ी के शासनकाल की जमकर जंगल राज की चर्चा की, और ख़ास करके उन तमाम युवा वोटरों को बताने की कोशिश की कि क्या कुछ हो रहा था जंगल राज के समय बिहार में। देखना दिलचस्प होगा कि इस बात को जनता कितना भली भांति समझ पाती है। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ NBC 24, पटना।